नमस्कार, ये तस्वीरें इधर आई थोड़ा। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार जायसवाल, पत्नी भागमनी जायसवाल हैं। आपका ये मामला क्या है? कैंसर ये कैंसर मुख्यमंत्री के यहाँ रात को किया गया, वहाँ से पूरी रिपोर्ट लग गया एक महीना दस दिन से इसमें मुख्यमंत्री राहत को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में। श्रीमान जी, मैं आपको साधार अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र मछली शहर की भगवानी देवी पत्नी दिलीप जायसवाल ग्राम जमालापुर विशाखंड रामनगर तहसील मणिया हूँ जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी है। कैंसर रोग पीड़ित है जिनका उपचार भूमि बाबा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में हो रहा है। इनके कोटेशन की प्रति संकलन किया गया है जिसकी लागत रुपये 3,20,000 रुपये है। और अंतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री राहत में आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। बीपी सरोज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बीपी सरोज का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। यहाँ पर ये नंबर किसका है? तो आपका है, ये नंबर इनका है, कोटेशन नंबर है ये। और पत्रांक संख्या यहाँ पर है, बीपी सरोज का जो कागज है परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का जो प्रति है यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ और यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर भी है, ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी मामले को संज्ञान में आप लोग लीजिए। कैंसर पीड़ित का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और पूरी कागजात है यहाँ पर, देखिए ये चीज़ देखिए, सरकारी नौकरी ये देखिए यहाँ पर, ये कागजात हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए पूरी इनका, ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये इनका निवास प्रमाण पत्र है, पूरा कागज इनका डॉक्यूमेंट है जो भी है, इनकी पत्नी का और इनका है। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी आधार संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका पूरा कोटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। गणेश प्रसाद सिंह है, नोडल अधिकारी हैं, यहाँ आर्थिक मदद का अधिकारी जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे मणियाहू उप जिला अधिकारी हैं कुणाल गौरव जी। तो इस चीज़ को इनके कैंसर का हिसाब है ना, पत्नी का कैंसर है, पत्नी को कैंसर है और इनका जिनका उपचार होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल में इस समय हो रहा है। तो जितने लोग अगर हेल्प भी करना चाहते हैं तो आपका कोई गूगल पे नंबर कुछ है? खाता संख्या नहीं है, ये तो मोबाइल नंबर है। खाता संख्या तो गूगल पे वगैरह चलाते हो? मोबाइल आपके पास है? मोबाइल, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी है इनके समस्या का निदान होना जरूरी है, क्योंकि इनके पत्नी को कैंसर हो गया है। और कैंसर के हिसाब में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भैया सबका उपचार होगा, हमारे हिसाब में कोई बचेगा नहीं, लेकिन ये भाई साहब बचे हुए हैं, इनकी सुनवाई की जाए। यह मामला जमालापुर का है और होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में इनका इलाज चल रहा है। ठीक है, बगल में सांसद जी, अभी आपको कैमरे में दिखे होंगे, सांसद जी बगल में गए हुए थे। ये उन्हीं का ये चीज़ लिखी हुई प्रति है। फिलहाल ये कब तक कार्रवाई करेंगे ये देखने का विषय है। फिलहाल हम यहीं पे वीडियो को एंड करने का प्रयास करते हैं। देखते रहें जौनपुर स्टूडियो। जय हिंद, जय भारत।